गाइज हम लोग एलएपी के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपको मैं सारा चीज़ें दिखाऊंगी आगे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए एंड यहाँ पर आपको गाइज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर जो अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आपको फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आफ्टर सब्सक्राइब बेलकन जरूर हिट कीजिएगा, ऐसे आपको मेरी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो गाइज हम लोग आ गए हैं एलएपी बैक वाटर और यहाँ पे हम लोग करेंगे हाउस बोट और आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ मैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हाउस बोट है, इसी में हम लोग अभी बैठने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। अभी तो डिटेलिंग सारा आगे आपको साथ में शेयर करूँगी, तो आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पर देख सकते हैं ये है केरला का एलएपी बैक वाटर। केरला का जो एलएपी है ना, ये जो है अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है जो कि केरला में ही है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, आगे आपको दिखाएंगे। लोग आगे जा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ, अभी बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी सारा आई टू जेड। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाउस बोट को जो है लेना पड़ता है, मीन्स बुक करना होता है, तो आई थिंक 2500 या 3000 से स्टार्ट हो जाता है बुकिंग करना। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे मतलब कि 2 आवर्स के लिए होता है या 3 आवर्स के लिए, आप जितना देर के लिए घूमोगे उतना उसके अकॉर्डिंग आपको रेट। मैं क्या कर रही तुम्हें?
बोट जो लिया जाता है ना, हायर किया जाता है बोट, ये जो बोट आप देख रहे हैं ये हाउस बोट है बिल्कुल टोटली बिकाओ, जिसमें जो है स्टे करने का भी आप देख सकते हैं, नाइट स्टे भी करता है यहाँ पर। तो आप नाइट स्टे अगर करना चाहते हैं तो इस टाइप का बोट में लेंगे, क्योंकि इसमें रूम रहता है अवेलेबल और खाना पीना सभी चीज़ अंदर में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोग जो बोट हायर किए थे वो हम लोग का 2 आवर्स के लिए हम लोग ने किया था, मीन्स हमें 2 आवर्स ही घूमना था। यहाँ पर आदमी जो आता है फैमिली के साथ आता है, मीन्स 2, 3, 4 फैमिली भी इस बोट में आ जाते हैं आराम से और सभी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो बोट था जिसमें कि आप स्टे कर सकते हो, इसमें तो 5 to 6 आवर्स के लिए भी होता है या नाइट स्टे भी होता है, सो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर चूज कर सकते हो आप। आपको वहाँ पर आप LFP अगर आओगे तो आप यहाँ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिस टाइप का लेना चाहते हैं उस टाइप का भी आपको मिल जाते हैं। चलिए अब एंजॉय करते हैं व्यू को, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल रहा है, सो चलिए एंजॉय करते हैं। ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बोट जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है, आप लोग देखिए ओनम का जो फेस्टिवल होता है, यहाँ का फेस्टिवल है यानी कि केरल का जो है सबसे फेमस फेस्टिवल है ओनम, उसी में ये बोट रेसिंग यहाँ पर होता है। एलपी बैक वाटर में ही होता है ये बोट रेसिंग, जो कि यहाँ का फेस्टिवल जो ओनम होता है उसी के लिए होता है। कितना लंबा बोट होता है? बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोट है, 40-50 आदमी, 100 आदमी बैठते एक साथ। और ओनम जो है आने वाला ही है, मीन्स सितंबर में मनाया जाता है यहाँ पे ओनम। तो फाइनली अब हम लोग रुक गए हैं, यही है हमारा बोट, और यहाँ पर जो है रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कोकोनट वाटर पियेंगे एंड अगर कुछ खाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं स्नैक्स टाइप से, इसलिए ये शॉप यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है आपको कोकोनट वाटर मैं यहाँ पी रही हूँ, इसके बाद जो है यहाँ पर एक बर्ड है जो कि ब्राह्मणी काइट जिसको बोला जाता है, एज ए ईगल ही लुक वाइज ईगल ही दिखता है, उसको जो है हम लोग बैठाएंगे अपने हाथों पे, आप लोग साथ में शेयर, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया था तो आपके साथ शेयर कर दूंगी वो चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है। और ये बोट जो है 2 आवर्स के लिए हम लोग को घुमाएगा, तो इसीलिए अभी 1 and 1.5 आवर शायद हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए और अभी घुमाएगा, इसके बाद हम लोग कोकोनट वाटर सब पीने के बाद जाएंगे हम लोग बोट पर, फिर थोड़ी देर बाद घूमेंगे, फिर उसके बाद घर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा क्लिप देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर हम लोग खुद से ही कोशिश कर रहे थे अपने हाथों पर लेने का, लेकिन वो आ नहीं रहा था, फिर हम लोगों ने किसी से पूछा, फिर पता चला हाँ स्टेज बैठाना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके बॉडी में आप सटाएंगे तो आप वो आराम से आपके हाथों पर बैठ जाता है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा देखिए यहाँ पर मेरा भाई है ये जो रेड टी शर्ट पहना हुआ है, तो ये अपने हाथों पर से मेरे हाथों में दे रहा है, लेकिन आ तो गया लेकिन ये फिर से बैठ गया, लेकिन फाइनली मैंने ये एक्सपीरियंस कर ही लिया, यहाँ पर देख सकते, फिर मैंने फाइनली अपने हाथों पर ले लिया था, आराम से रह गया था और बहुत ही मज़ा आया था। तो आप लोग भी यहाँ LFP आइएगा तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे भी इन्जॉय करते हैं हम लोग।
देखो उधर बत्तख। बाय बाय कर रहा है। वो बच्चा बाय बाय कर रहा है। दो बच्चा है, बड़ा बच्चा है। आयु इधर देखो, आयु इधर देखो, फैमिली। वाह बत्तख, तुम लोग के साथ पे साथ पे रह जी। हेलो हेलो बत्तख, हेलो टप टप, हेलो बत्तख, हेलो। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर आके एक सफर रुकिए, आराम से कोकोनट तोड़िए, खाइए। हाँ ग्रीन कलर का ना राइस है क्या? राइस है, राइस है ना, एल्ला ग्रीन। राइस एरिया देखो उधर, पूरा जो है ना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। देखो ये देखो कितना जबरदस्त पैडी फील्ड है, समझो। वही तो देख रहे हैं। तो गाइस इसके बाद मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया था, तो बहुत ही इन्जॉय किए थे हम लोग बोट पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आता है चारों ओर। आपको इतना अच्छा लगेगा कि मतलब लगेगा कि आप हमेशा देखते ही रहे वैसा सीन, ऐसा टाइप का सीन वहाँ पर आता है। तो जितना हुआ कैप्चर मैं उतना कैप्चर कर पाई, थोड़ा बहुत कैप्चर, और पूरी तरीके से कैप्चर तो नहीं कर पाई, बट थोड़ा बहुत मैंने क्लिक किया था, तो वही आपके साथ शेयर की हूँ। एंड आई होप कि आपको गाइस ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉगिंग तो मैं हमेशा नहीं करती हूँ, बट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आफ्टर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, एंड लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग एंड वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय।